हेलो दोस्तों, मैं हूँ रणवीर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रे नॉलेज। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि आखिर ट्रेन में चेन पुलिंग होने पर रेलवे पुलिस और लोको पायलट को कैसे पता चलता है कि किस कोच में चेन पुलिंग की गई है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की वीडियो में इसी बारे में। दोस्तों, ट्रेन में लोकोमोटिव से लेकर लास्ट कोच तक ब्रेक एयर प्रेशर से संचालित होते हैं। दो पाइपों द्वारा पूरी ट्रेन में 5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का एयर प्रेशर बनाए रखा जाता है। अब अगर दोस्तों इस एयर प्रेशर को लोको पायलट ब्रेक लगाकर या कोई और चेन पुलिंग करके कम करता है तो प्रेशर लो होने पर ट्रेन में ब्रेक शू चिपक जाते हैं और स्वतः ही ब्रेक लगने शुरू हो जाते हैं। और चेन पुलिंग करने पर हर कोच के अंत में लगे पोर्ट खुल जाते हैं और प्रेशर से निकली हुई हवा के कारण सीटी की आवाज़ पैदा होती है। और दोस्तों, यह आवाज़ तब तक होती रहती है जब तक कि इसे वापस से बंद नहीं किया जाए। दोस्तों, जब चेन पुलिंग होती है तब सहायक लोको पायलट लोकोमोटिव से उतर कर ट्रेन के पास पास चलता है और जिस कोच की चेन पुलिंग हुई है उसे उसकी आवाज़ सुनकर पहचान करता है। और दोस्तों, इस प्रकार से ही रेलवे पुलिस भी चेन पुलिंग वाले कोच की पहचान करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही रेलवे से जुड़ी जानकारी की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें ताकि चैनल पर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।